सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को पाठ एक भोजन उत्पादन एवं प्रबंधन के भाग चार के वीडियो में फसल चक्र के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट थ्री मीन्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। एक खेत में एक चक्राकार आधार पर विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाता है। जैसे दलहनी पौधों के बाद अनाज वाली फसल उगाना उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में सहायता करती हैं। इस फिगर में दलहनी पौधों की जड़ों में ए राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे मृदा के पोषक तत्व बने रहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। अब आता है डेयरी। पशुओं को दूध व दूध उत्पादों के लिए पालना डेयरी कहलाता है। दूध घी खोवा पनीर मक्खन आदि डेयरी के उत्पाद हैं। अब आपको कुक्कुट पालन के बारे में पढ़ाएंगे। कुक्कुट पालन किसे कहते हैं? अंडों व मांस के लिए कुक्कुटों का पालन करना ही कुक्कुट पालन कहलाता है। कुक्कुट पक्षी 21 दिन में अंडे देती हैं, 21 दिन तक अंडे को सेती हैं, जिसे अंडा सेवन करते हैं। मत्स्य पालन मछली का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रक्रिया को मत्स्य पालन करते हैं। मत्स्य पालन दो भागों में बांटा गया है। ताजे पानी की मछलियां, खारे पानी की मछलियों के। ताजे पानी की मछलियां जैसे कतला रोहू आदि, खारे पानी की मछलियां हिलसा कार ट्यूना कैट मछली आदि, ये सब खारे पानी की मछलियां कहलाती हैं। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी को बड़े पैमाने पर पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खियों से मुझे शहद प्राप्त होता है। शहद में एंजाइम पाए जाते हैं, जो लाभदायक होता है। मधुमक्खी पुष्पों के मकरंद को चूस कर छत्ते में ला करके एकत्रित करते हैं, जिससे शहद बनता है। अब बच्चों, मैं आप सभी को अतिलघुत्तरी प्रश्न के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या एक, कृषि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, भोजन वस्त्र व अन्य उत्पादों के लिए पौधों को उगाना व जंतुओं को पालना इसे कहलाता है। प्रश्न संख्या दो, खरपतवार क्या होते हैं? बच्चों, जैसे
जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को हर पखवार के बारे में बता चुके हैं कि वे अवांछित पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें हर पखवार कहते हैं। बच्चों, हर पखवार फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान फसल से इन खरपतवारों को अलग करने के लिए खुरपी कुदाल का प्रयोग करते हैं, जिससे खरपतवार अलग हो जाता है और मुख्य फसल की सुरक्षा हो जाती है। और इसके अंतर्गत खरपतवार के अंतर्गत मोथा, बथुआ, घास आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 3, अनाज को फसल से अलग करने की विधि का नाम बताओ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग प्रोसेस आता है। हार्वेस्टिंग के समय किसान खेतों से फसल को काट करके एकत्र करता है। एकत्र करने के बाद उस फसल की थ्रेसिंग होती है। अतः अनाज को फसल से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। इसे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 4, जंक प्रोटीन के दो स्रोतों के नाम बताओ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन की मात्रा अंडे तथा दूध में अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका उत्तर अंडा और दूध होगा। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो अगले भाग में। थैंक यू।